सौखा। नमस्कार, न्यूज नशा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जोया अहमद हुसैन। ये जो तस्वीर अभी आपने देखी है, ये हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की है, जहां सोमवार की सुबह अंधेरे में हुई। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है। सुबह 7:34 पर पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से में क्वेटा और गुड्डू के बीच हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइनों में खराबी के चलते बिजली गुल हो गई। पाकिस्तान पहले से ही बिजली की किल्लत झेल रहा है और लंबी कटौती का सामना भी कर रहा है। सरकार बिजली बचाने के लिए बाजारों को 8 बजे ही बंद करने का आदेश जारी कर चुकी है। लोग ट्वीट कर रहे हैं, वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान, यानी कि नौबत ये आ चुकी है। आर्थिक संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान में पहले आटा खत्म हुआ, फिर गैस और पेट्रोल का संकट आया, और अब बारी बिजली की है। कहने को तो पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, लेकिन हाथ में कटोरा लेकर दर दर भटक रहा है, गुहार लगा रहा है आर्थिक मदद की। अब तो हाल यह है कि IMF और UAE ने भी बिना शर्त मदद देने से इनकार कर दिया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालत हो गई है पाकिस्तान की। यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ऑन सेल। आखिर ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान अपने एम्बेसीज को, अपने बंदरगाहों को, यहाँ तक कि होटल्स को भी बेचने पर मजबूर हो रहा है। उसके बंदरगाहों पर कंटेनर रोजमर्रा के सामान लेकर यूं ही खड़े हैं और सामान उसमें खराब हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसा ही नहीं है उसको खरीदने के लिए। उसका जो फॉरेन रिजर्व है वो दिन पर दिन डिप्लीट होता चला जा रहा है। भूख से तड़प रहे लोग सड़क पर, बच्चे रो रहे हैं, माएं परेशान हैं कि कहां से अपने बच्चों का पेट भर सकें, क्योंकि सामान ही नहीं है, पैसा नहीं है कि उनको खरीद कर राशन मुहैया कराया जा सके। इन सभी पहलुओं पर बात करेंगे और ये जानेंगे कि ऐसी हालत पाकिस्तान की आखिर क्यों हो गई, और इसके लिए कुछ किया भी जा सकता है, क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो सवाल कर रही हैं कि क्या इसी दिन के लिए आज़ादी मिली थी। इन सभी पहलुओं पर आइए बात करते हैं। हमारे साथ न्यूज़ नशा पर इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार नीतीश कुमार जी। नीतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे बेहद खुशी है ये बताते हुए कि नीतीश कुमार जी जो हैं, उनको एक लंबा वक्त उन्होंने पत्रकारिता में योगदान, एक अहम योगदान दिया है, और इन्वेस्टिगेटिव अगर जर्नलिज्म की बात करें तो खासकर उनको काफ़ी अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, जैसे कि 2009 में उनको बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के लिए नवाजा गया था, 2008 में द मीडिया एक्सेलेंस अवार्ड, 2007 में द ब्रिलियंट रिपोर्ट अवार्ड। और आपको एक बार बताएं कि नीतीश जी ने नेशनल सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, स्पेशलाइज्ड इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जैसे कि CBI, NIA, IB, मिलिट्री इंटेलिजेंस रॉ पर एक्सटेंसिव रिपोर्टिंग की है, और आपने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स जैसे कि नेटवर्क 18 ग्रुप है और News24 है, इन तमाम न्यूज़ चैनल्स पर बहुत काफ़ी बड़े पद पर इन्होंने अहम भूमिका निभाई है, और 22 साल से ज़्यादा अनुभव है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में। नीतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। ले चलते हैं उन्हीं तस्वीरों की तरफ जहाँ पर ये पता चल रहा है कि किस कदर बुरे हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान में, और खासकर आज जैसे की बात करें बिजली संकट, क्या कहेंगे आप? जोया जी, सबसे पहले थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए जोया जी, ये जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, ये आज कोई नया प्रॉब्लम नहीं है, इसकी जो जड़ें हैं बहुत पहले से ही इसकी नींव रखी जा चुकी थी, और आज जिस कंडीशन में पाकिस्तान है, पाकिस्तान के सियासतदान उसके लिए जिम्मेदार है, वहां का जो एलीट वर्ग है उसके लिए जिम्मेदार है। पाकिस्तान के पास ना तो कोई पॉलिसी है, ना कभी कोई पॉलिसी रही है, उसका जो एंटायर जो उसकी इकोनॉमी है वो इंपोर्ट ओरिएंटेड है। पाकिस्तान को हालांकि एक कृषि प्रधान कंट्री कहा जाता है, लेकिन ये एक महज कहावत है, एक आप कथन मान लें, एक स्टेटमेंट मान लें। पाकिस्तान में अब खेती योग
योग्य जो जमीन है वो बची नहीं है। उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान में जो डीएचए है, जो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है, जो आर्मी की सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी, उसने जितने भी एग्रीकल्चरल लैंड थे देश के अलग अलग हिस्सों में, वहां पर डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी जो बना दी है, लोगों के लिए घर जो है वहां पर बना दिए हैं। इसके अलावा, ये तो बात मैंने आपको डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी की बताई जो आर्मी चलाती है। जी इसके अलावा जो बची खुची एग्रीकल्चर जो लैंड थी, उसको लैंड ग्रैबिंग के जरिए पाकिस्तान का, मैं आपको बताऊं, एक शख्स है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दलाल माना जाता है, लैंड ग्रैबर उसको कहा जाता है, उसके आईएसआई से लेके, आर्मी से लेके, वहां के सियासतदानों से बेहतरीन रिश्ते हैं। और इस शख्स का नाम है मलिक रियाज। वो जो बची कुची जमीन है जो कि आर्मी से बच जाती है, उसको कब्जा करता है और उसको फिर बेचता है, उसको उसको कब्जा करके उसको औने पौने दामों में, या जो पॉश इलाके हैं वहां से, वहां पर जमीन कब्जा किया और लोगों को, सियासतदानों को बेच देता है। तो अब जो जी है पाकिस्तान के पास खेती लायक जमीन बची नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो मेन, जो उसकी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता था, वो था टेक्सटाइल सेक्टर। हाँ टेक्सटाइल सेक्टर में वहां पर अभी जो अभी करंट इकोनॉमिक सिनेरियो है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, 70 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। उसकी वजह यह है कि इमरान खान जिस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, जब कश्मीर में 35A और 370 भारत ने एबॉलिश किया, उसके बाद से पाकिस्तान ने ट्रेड भारत से रुकवा दी। जो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए रॉ मटेरियल था, कपास वगैरह, वो भारत से जाता था और निहायत ही सस्ते दामों पर जाता था। उसका कपड़ा तैयार करके पाकिस्तान दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया करता था। तो जब ट्रेड बंद हो गया, उसके बाद से वहां की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसकी हालत बुरी तरह से चरमरा गई। और अब हालात जो इक्का दुक्का जो फैक्ट्रियां बची हुई थी वहां पर पाकिस्तान में, वो भी बंद हो गई हैं। बंद 70 लाख हो लोग बेरोजगार हो गए हैं। अब मैं गई आपको आता हूं वहां की जो करंट इकोनॉमिक जो सिचुएशन है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है, जैसा आपने बताया वहां पर कि लोग सड़कों पर हैं। मैं आपको कल का एग्जाम्पल देता हूं। पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में एक 5 बच्चे के माँ बाप थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। उनके पास अपने बच्चों को, भूख से बिलकते बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं था। वो जी 2-3 दिनों तक रोटी की लाइनों में लगे रहे। जो आटा मिलता है सरकार की तरफ से, जो कोटे के तहत आटा दिया जा रहा है गरीब लोगों को, उस लाइन में वो लोग 2-3 दिनों से लगे हुए थे। सुबह 5 बजे लगते थे कि वो अपने बच्चों के लिए जो है कुछ आटा ले आए, जिससे रोटी घर में बनाई जा सके। उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। उसमें भी जो आटे की लाइन लग रही है, सरकारी आटे की जो लाइन लग रही है, उसमें भी कैलशनिकोव कल्चर देखा जा रहा है। उसमें जो लोग ताकतवर हैं, जो बाहुबली हैं, वो वहां पर आके बिना लाइन में लगे हुए आटे की थैली ले जाते हैं। वहां पर तकरीबन सरकार की तरफ से 150 रुपए किलो आटा दिया जा रहा है। हालांकि अभी जो आटे का रेट है पूरे पाकिस्तान में, वो जी करीब 175 रुपए से लेके आप ये कह लें कि 200 रुपए के बीच चल रहा है। और अगर आप एक रोटी की कीमत की बात करें, तो ये सिलसिला जो है रोटी का, वो 30 रुपए से शुरू हुआ था बिकने का, वो अब जो है 50 रुपए, 55 रुपए के करीब जो है रोटी, अलग अलग हिस्सों में, रावलपिंडी में अलग रेट है, लाहौर में अलग रेट है, कराची में अलग रेट है, इस्लामाबाद में अलग रेट है। वहां पर जो 35 से 55 रुपए प्रति रोटी, एक रोटी की कीमत है, आप इतना आप जान लीजिए। इसके अलावा जो नान है, वो 60 से 65 रुपए में एक नान बिक रहा है। तो जी हालात यहाँ यहाँ तक है। अब बात करते हैं, ये तो हालात ये हो गए, अब बात करते हैं जी पावर क्राइसिस की, जिसका आपने अभी जिक्र किया। जी नितेश जी, आगे बढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि अभी हम लोगों ने बात की कि रोटी की क्या कीमत हो गई है, सिर्फ रोटी आटे की बात नहीं, अगर हम और भी रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनकी बात करें तो वो भी, उसके दाम भी आसमान छू रहे हैं। अगर मसलन अगर आप दाल की बात करें तो दाल के भी जो दाम है वो बढ़ गए हैं। वो मतलब सिर्फ आटा रोटी से ही नहीं, अगर कुछ और भी खिलाना चाहें तो वो भी वहां पर मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल सही कहा आपको। मैं बताऊं कि वहां की जो पाकिस्तान की डाइटरी हैबिट्स है, उसमें नॉनवेज जो है वो एक स्पेशल इंग्रेडिएंट के तौर पर लोग, ज्यादातर लोग नॉनवेज को प्रेफर करते हैं। तो उसमें आप चिकन ले लें या मटन ले लें,
मैं चिकन का रेट आपको बताऊं, कल अलग अलग, मैं अगर रावलपिंडी का रेट बताऊं, कल 700 रुपये प्रति केजी था, पर केजी 700 रुपीज कल रावलपिंडी में वो बिक रहा था। इसके अलावा अगर आप मटन की बात करें, 1100 रुपये प्रति किलो है वहां पे। घी की बात करें आप, 1800 से लेकर 2500 रुपये किलो घी बिक रहा है। आटे की अगर 20 किलो की थैली की आप बात करें, 3200 रुपये की थैली वहां पर बिक रही है। बिल्कुल, और यही वजह है कि उसको पाकिस्तान को कंगाल देश कहा जाने लगा है। वहां के खुद वहां के जो जर्नलिस्ट हैं या वहां की आम आवाम है, मैं खुद उनसे बात करता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। हमारा एक पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, उसी की तर्ज पर उन्होंने अपने ही मुल्क का नाम कांग्लादेश रख दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालात है वहां पर। गैस पाकिस्तान के पास, वो कई लोग जो है, कई इलाकों में पाकिस्तान के, वहां लोग जो है चूल्हे अब लकड़ियों के सहारे जो है अपना खाना बना रहे हैं। जो भी गेस्ट को जो बुला रहे हैं वहां पर, उनका खाना भी वो लकड़ियों पर ही बिक रहा है। हालांकि जो लकड़ियों वहां पर के भी नीतीश एलिट, जी, मैं आपको यहाँ पे टोक रही हूँ। कुछ दिन पहले वो जो विजुअल्स भी वहां पर से आए थे, वो ये कि सिलेंडर्स नहीं है जिनमें कि वो भरा जा सके लिक्विड फ्यूअल, उसको पॉलिथिन बैग्स में, मतलब अपनी जान पर खेलते हुए लोग जो हैं उसको पॉलिथिन बैग्स में बड़े बड़े भर के और ले जा रहे हैं कि किसी तरह से उनका चूल्हा जल सके। जी देखिए, गुब्बारों में भर के, एक वीडियो काफी वायरल हुआ था जिसमें एक जी शख्स जो है गुब्बारे में भर के वो गैस ले जा रहा है ताकि वो जला सके अपने घर में, गैस हाँ उससे निकाल के सिलेंडर में भर के आप उसको कर सके, खाना बना सके। अभी हालात ये है कि सिलेंडर, एक सिलेंडर की कीमत वहां के लोग बता रहे हैं कि कई जगह सिलेंडर जो है ब्लैक में मिल रहा है, और एक एक सिलेंडर जो है 10-10 हज़ार रुपये में मिल रहा है। आप अंदाजा बिल्कुल लगा सकते हैं कि कितना बड़ा जो है क्राइसिस वहां पर हो गया है फिलहाल इस वक्त सारी चीजों में। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये अभी चलेगा, पाकिस्तान के पास अभी पैसे नहीं है, पाकिस्तान टेक्निकली डिफॉल्ट कर चुका है। उसकी जो मैशियत है, जो इकोनॉमी जिसको कहते हैं, वो जो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है पाकिस्तान के, $4.5 बिलियन अभी बचा हुआ है। उसमें जी भी ये जो 4.5 बिलियन डॉलर है, उसमें भी ये जो पैसा है करीब $3 अरब जो है सऊदी अरेबिया का है, उससे उन्होंने रोल ओवर लिया है। रोल ओवर का मतलब ये होता है कि भाई उन्होंने, आप पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को कहा था कि भाई हम अभी पे नहीं कर सकते, आप कृपया करके इसकी अदायगी की जो डेट्स हैं, जो टाइम पीरियड है, उसको आप बढ़ा दें। उसको तो बढ़ा सऊदी दीजिए। अरेबिया ने रोल ओवर दे दिया है, लेकिन कहा है कि आप हमारे पैसे को खर्च नहीं कर सकते। जो बचा बताइए। कुचा अमाउंट है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, वो चाइना का है। चाइना ने भी हाँ कुछ समय के लिए रोल ओवर दिया है उसको। और पाकिस्तान को अभी, पाकिस्तान ने वहां जो सैलाब आया हुआ है उसके लिए जिनेवा में एक भारी भरकम कैबिनेट लेके पाकिस्तान की सरकार, पीडीएम की सरकार है, आप जैसा आप जानती हैं, जी वहां पर 3 पार्टियों का ये कोलैबोरेशन है ये सरकार। इसमें आपको नवाज शरीफ की पीएमएल नून, जिसको पीएमएल नवाज शरीफ की पार्टी है, वो एक है। उसमें पीपीपी है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, जो कि बेनजीर भुट्टो की, अब नवा ये बिलावल भुट्टो उसको लीड करते हैं। इसके अलावा जो और 13 पार्टियों का उसमें संगम है, उसमें मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी भी है। तो जाहिर तौर से अभी पाकिस्तान इतने बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, और एक भारी भरकम कैबिनेट, 20 से 21 मिनिस्टर पाकिस्तान की कैबिनेट के, वो जिनेवा गए थे फ्लड विक्टिम्स के लिए, जो फ्लड से परेशान लोग, उनके लिए फंड्स जनरेट करने के लिए। वहां पर पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि उन्हें ग्रांट मिलेगा। दुनिया की अलग अलग कंट्रीज आए हुए हैं, यूएन के सहयोग से इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया था। तो जी पाकिस्तान को उम्मीद थी कि दुनिया के कई देश उन्हें ग्रांट देंगे, और ग्रांट उन्हें मिला, लेकिन वो लोन की शक्ल में। जरा आप सोचिए, $9.7 बिलियन का उनको लोन मिला है। उसमें IMF ने भी दिया, उसमें वर्ल्ड बैंक ने उन्हें लोन दिया, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने उन्हें लोन दिया, कुछ लोन जो है ये इन दोनों ने मेजर आपको लोन दिए। तो बैंक जो है ग्रांट नहीं देता है, बैंक एड नहीं देता है, वो लोन देता है। तो जरा सोचिए कि जो लोन दिया गया उसका जो ब्याज आएगा, उसका कहाँ से भार भी चुकाया जाए। पाकिस्तान, हाँ बिल्कुल पाकिस्तान की जनता पर ही पड़ेगा। और अभी IMF ने एक शर्त रखी है कि आप हमारे, आप करीब 300 अरब डॉलर का, 300 अरब रुपए का, पाकिस्तानी रुपए में 300 अरब रुपए का आप टैक्सेस लगाए गवर्नमेंट पर, आम लोगों पर,
उसके बाद ही उससे आप कंप्लाई करें, उसके बाद ही हम आपको लोन देंगे। तो जरा सोचिए, अभी पाकिस्तान की सरकार मिनी बजट बस लाने ही वाली है, आजकल में वो मिनी बजट आने वाला है। ऑलरेडी जो पाकिस्तान के वहां इतनी परेशान है, वहां खाने के लिए लोगों के पास रोटियां नहीं है, तो अब सोचिए कि किस तरह से इतने भारी भरकम टैक्स को बियर टैक्स करेगी, कहाँ से? और हाँ कहां से? बिल्कुल। तो ये अभी जैसे हम बिजली संकट की बात कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है ये अभी आने वाले वक्त में और गहराएगा? देखिए जोया जी, मैं आपको पूरा बेसिक प्रॉब्लम जो पाकिस्तान की जो पाकिस्तान का जो एनर्जी क्राइसिस है उसके पीछे के रीजंस को मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान के पास ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन उसको लेकर पाकिस्तान के पास कोई पॉलिसी नहीं, एनर्जी पॉलिसी नहीं है। जो अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे आप विंड एनर्जी कर लें, सोलर एनर्जी कर लें, हाइड्रो पावर एनर्जी कर लें, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पाकिस्तान के पास कोई पॉलिसी नहीं है, और अभी भी फॉसिल फ्यूल के जरिए ही पाकिस्तान में बिजली जो है पैदा होती है। आपको बताऊं, दो तीन जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, एक नीलम झेलम वैली में पीओके में पाकिस्तान का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहा था चीन की मदद से। वहां जैसे ही चाइनीज पर पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में अटैक्स होने शुरू हो गए, वहां से चाइनीज इंजीनियर छोड़कर प्रोजेक्ट चले गए, वापस चाइना चले गए। इसके अलावा एक दासू करके इलाका है खैबर पख्तूनख्वा में, जुलाई 2021 में वहां पर एक बस जो चाइनीज इंजीनियर्स को लेके दासू डैम, वो भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, वहां पर जा रही थी, वहां उस पर आतंकी हमला हुआ और उसमें 9 चाइनीज मारे गए। उसमें अब फैसला भी आ गया है, दो तीन दिन पहले फैसला आया है, जो लोग उसके लिए जिम्मेदार थे, हालांकि ये कहा जाता है कि वो गलत लोगों को पकड़ के पाकिस्तान की सरकार ने सिर्फ चाइना को दिखाने के लिए उनको एग्जीक्यूट कर दिया, उनको फांसी की सजा जो सुनाई गई है, वहां पर ये हाल है। वहां पर फिर इंजीनियर्स वहां से चले गए। इसके अलावा मोहम्मद पावर प्रोजेक्ट है जी, ये वहां भी कहने के नाम पे वहां पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन अभी तक सालों बीत जाने के बाद वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नहीं हो पाया है। तो पाकिस्तान के पास जो है कोई प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन का कोई रोड मैप नहीं है। और इसके अलावा आपको बताऊं, जो पाकिस्तान में बिजली की जो डिमांड है वो करीब 24,000 मेगावाट बिजली की डिमांड है, और अभी जो पाकिस्तान की सरकार लोगों की डिमांड जो पूरा कर पा रही है उसमें 6500 मेगावाट उसका जो है शॉर्टफॉल है। तो आप जरा सोचिए, 6500 मेगावाट काफी होता है, और वहां पर जो बिजली के रेट्स हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दें, अगर भारत में आप बात करें तो 6.5 रुपया, 7 रुपया, 8 रुपया तक आप मान लें। अभी जो बिजली के रेट प्रति यूनिट है वहां पर वो 24 रुपये से लेकर 31 रुपये है वहां पर, और वहां पर दो कैटेगरी में पाकिस्तान में बांटा गया है जो बिजली के रेट्स को, एक प्रोटेक्टेड कैटेगरी है और एक नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी है। तो अगर 200 किलोवाट अगर बिजली आप खर्च करते हैं वो प्रोटेक्टेड उसमें आता है, प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आता है, उनके लिए थोड़ा सा कम है, बिजली का रेट कम है, लेकिन उसके बाद जो है कोई लिमिट नहीं है, आप जितना खर्च करेंगे उसके हिसाब से 24 रुपया, 31 रुपया, 35 रुपया, इस टाइप का है। वो पाकिस्तान के पास कोई रोड मैप नहीं है। और अभी फ्यूल से जब पूरी दुनिया में इतना डेवलपमेंट हो रहा है, लोग सोलर एनर्जी की ओर शिफ्ट कर रहे हैं, दूसरे जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी उसकी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान में सिर्फ काम कागजी तौर पर चल रहे हैं, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो ये क्राइसिस अभी ऐसा नहीं है कि टेम्परेरली अभी रहने ही वाला है, बाद में भी ये जारी रहेगा। दूसरा, पाकिस्तान में दो दर्जन से ज्यादा जो कंपनियां हैं जो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का जिन्होंने ग्रिड एस्टैब्लिश किया हुआ है जी, उनको पाकिस्तान ने पे नहीं किया है। करीब $300 बिलियन का पेमेंट चाइना की कंपनियों को पाकिस्तान ने किया नहीं है, और उनकी तरफ से लगातार धमकी आती रहती है कि हम काम बंद कर देंगे, ग्रिड को हम बंद कर देंगे। तो ये हालात है पाकिस्तान के। तो ये टेम्पररी प्रॉब्लम नहीं है, आने वाले दिनों में हो सकता है कि इससे भी भयंकर प्रॉब्लम आपको देखने को मिले पाकिस्तान में। नीतीश जी, हालात तो हैं बहुत ही ज्यादा गंभीर हैं, और अब ये नौबत आ गई कि पाकिस्तान ऑन सेल का टैग उस पर लगा दिया गया है। वो अपने एम्बेसीज की बात हम लोग कर रहे थे, उसको बेचने पर आ रहा है, बंदरगाह जो हैं उनकी बात हो रही है, होटल्स को बेचने की नौबत आ चुकी है। देखिए, ये तो बहुत ये चीजें हैं जो सुनने में थोड़ी ठीक ठाक एक रेस्पेक्टेबल लगता है कि चलो पैसा नहीं, एक देश है, हालांकि ये चीजें भी आप
इकोनॉमी की हालत किस तरह से बदहाल हो चुकी है कि अब आपको अपनी एम्बेसी को, अमेरिका में एम्बेसी को बेचना बेचना पड़ रहा है, आपको जी अमेरिका में होटल्स को बेचना पड़ रहा है। लेकिन सबसे शर्मनाक बात है, जो अभी आपको बताऊं, अभी कतर में फीफा वर्ल्ड कप हुआ, उस फीफा वर्ल्ड कप में चौकीदारी के लिए, सिक्योरिटी बताए गार्ड के तौर पर पाकिस्तान की आर्मी वहां पर डिप्यूट थी, उसने पूरा संभाला हुआ था फीफा वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी का जिम्मा। तो जरा आप सोचिए कि एक सॉवरेन नेशन कोई क्या जी एक फुटबॉल वर्ल्ड कप जैसे, मतलब एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखा जाए, एक स्पोर्ट्स इवेंट के लिए कोई अपने देश की आर्मी को भेजता है क्या वहां पर? लेकिन पाकिस्तान ने पैसे के लिए वो काम भी किया। और दूसरा, जी आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं, आप प्लीज कंप्लीट करिए। हाँ, दूसरा देखिए, हालात किस कदर बदतर है वहां वहां पाकिस्तान में, कि वहां के, कभी आपने सुना है कि किसी देश का आर्मी चीफ वो कटोरा लेके, आर्मी चीफ वो दर दर भटक रहा है कि अपने देश के लिए कुछ फंड्स जुटा पाए? जनरल हाँ बाजवा के समय में भी यही काम होता था, और जो नए जनरल आए हैं जनरल बाजवा के बाद, जनरल आसिम मुनीर, वो भी यही काम कर रहे हैं। वो यूएई गए, सऊदी अरेबिया गए, शहबाज शरीफ भी नहीं, उनके पीछे फॉरवर्ड पीछे वहां पर थिंकिंग गए। नहीं है, प्लानिंग नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं है। प्लानिंग प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बिल्कुल नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है, वहां का एलिट क्लास, वहां का जो एलिट क्लास है, वहां आप ज्यादातर लोगों को, आप अगर बात करें मसलन बिलावल भुट्टो के, बिलावल भुट्टो के फादर जरदारी, ठीक है, जरदारी जी पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे, हालांकि उनको जो पाकिस्तान में मिस्टर 10% के नाम से जाना जाता है, कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट आपको अप्रूव करवाना है तो जरदार सिफ अली जरदारी को आपको 10% उसका देना पड़ेगा। उसके पहले बिलावल भुट्टो की माँ आपको बेनजीर भुट्टो रही, उसके पहले उनके नाना रहे जुल्फिकार अली भुट्टो, तो एक सियासत जी चल रही है। इसके पहले शहबाज शरीफ रहे, उसके पहले नवाज शरीफ रहे, तो ये एलिट क्लास है। आप ज्यादातर लोगों का, बिलावल भुट्टो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, ठीक है। इमरान खान की बात करें, जो वहां के अमीर उल मोमिन मोमिनीन बने हुए हैं, वो जब कोरोना का समय हुआ था तो आपने देखा होगा एक वीडियो काफी वायरल हुआ था कि कोरोना को रोकने के लिए वहां के जो मौलाना है उनसे दुआ पढ़वाई जा रही थी पाकिस्तान में। ये विजुअल काफी वायरल हुआ था। आज के वायरल मॉडर्न हुआ एज में, साइंस के एज में, लोगों जी। को वैक्सीन देने के बजाय दुआएं पढ़वाई जा रही हैं, वहां पर कब्रगाह खोदे जा रहे थे पाकिस्तान में। तो ये जो एलिट क्लास है वहां का, ये ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए, इनके बच्चे भी लंदन में, अमेरिका में पढ़ रहे हैं। और मोस्ट ऑफ देम, आप चाहे शहबाज शरीफ की फैमिली की बात करें, नवाज शरीफ की फैमिली की, नवाज शरीफ भगोड़ा करार दिए जा चुके हैं, 6-7 साल से लंदन में रह रहे हैं। और जो जी पाकिस्तान की जो हुकूमत है उनको, उसको इम्पोर्टेड हुकूमत कहा जाता है। जो फैसले होते हैं वो नवाज शरीफ करते हैं। किसी को भी अभी भी देखिए, जो पाकिस्तान के गृह मंत्री हैं राणा सनाउल्ला, वो पाकिस्तान गए, वो लंदन में है, नवाज शरीफ से कुछ वो सलाह लेने के लिए गए हुए हैं। हर एक दिन, हर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में, या हफ्ते में कोई ना कोई पाकिस्तान कैबिनेट का मंत्री वो पहुंच जाता है लंदन नवाज शरीफ से सलाह लेने के लिए। वहां पर पाकिस्तान में ऑपरेशन कराने के लिए, आपको मैं बताऊं, एक वहां की मिनिस्टर है, मरियम औरंगजेब नाम है, अभी वो अपना अपनी सर्जरी कराने के लिए वो इंग्लैंड गई हुई है। इसी तरह किसी भी तरह का हेल्थ इश्यू होता है, तुरंत लोग जो एलिट क्लास है वो पहुंच जाते हैं लंदन अमेरिका। वहां जी बिलावल भुट्टो अभी दावोस गए हुए थे, बिलावल भुट्टो अभी जेनेवा गए हुए थे, वहां पर उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन जो एक चीज की तारीफ हो रही है उनकी, उनके ड्रेसिंग सेंस की बहुत तारीफ हो रही है। जो उन्होंने लाखों का सूट पहना हुआ था, वो एक इंटरनेशनल मीडिया का अटेंशन बन गया है। पाकिस्तान को भले ही वहां कुछ मिला हो ना मिला हो, लेकिन बिलावल भुट्टो की ड्रेस की काफी तारीफ हो रही है। बताए हिना रवानी खार, वो जो बैग लेके चलती है, कहा जाता है वो 7 लाख रुपए का बैग है, पर्स जो है उनके साथ कहाँ, तो रखती है। लोग वहां भूखों मर रहे हैं, भूखों बच्चे मर रहे बच्चों हैं, को खिलाने के लिए माएं परेशान हैं, लड़ाई झगड़ा परेशान है। मचा और हुआ है। हाँ, सोचिए 20 से 21 मंत्री पाकिस्तान के सैलाब के लिए फंड जुटाने के लिए, 20 से 21 मंत्री, और 5-स्टार होटल्स में वहां पर ठहर रहे हैं, जो प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से वो जिनेवा जा रहे हैं। आपकी आवाम भूखी मर रही है। इतने कैबिनेट, 1 या 2 मंत्री आप फर्ज करें, या तो फाइनेंस मिनिस्टर चले जाते, वहां के प्रधानमंत्री चले जाते, ज्यादा से ज्यादा बिलावल भुट्टो चले जाते। इतना बड़ा भारी भरकम कैबिनेट ले जाने की जरूरत क्या थी?
और उसका सारा पैसा जो अब हम के टैक्सेस से दिया जाएगा। तो जरा सोचिए कि किस तरह से मिसयूज कर रहे हैं पाकिस्तान का। और सारे लोगों के पास डुअल पासपोर्ट्स हैं। आपको बताऊं, जो सैलाब के लिए पिछली बार आपको 100 मिलियन डॉलर्स जो वहां पर पैसा आया था, ग्रांट आया था, उसमें से 100 मिलियन डॉलर्स गायब हो गया। उसके उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी जेनेवा में पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट ने, जब ये फंड जुटा रहे थे पाकिस्तानी, वहां पे एक जर्नलिस्ट यूनुस खान ने शहबाज शरीफ से क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या गारंटी है कि यहाँ जो फंड लोगों को मिल रहा है, यहाँ पर आपको जो फंड मिल रहा है, वो वहां की गरीब आवाम तक पहुंचेगा, जो फ्लड विक्टिम्स है उन तक पहुंचेगा। तो शहबाज शरीफ ने कहा कि हम थर्ड पार्टी ऑडिट जो है वहां पर करवा लेंगे। तो वहां क्या होता है कि पाकिस्तान को ग्रांट्स जैसे ही आते हैं, लोन मिलता है या कहीं से कर्ज मिलता है, यूएई देता है, सऊदी अरेबिया देता है, चाइना देता है, तो उनके ज्यादातर बच्चे जो इंग्लैंड अमेरिका में पढ़ रहे हैं टॉप यूनिवर्सिटीज में, उनकी फीस में वो पैसा चला जाता है। और सारी पार्टियां मिली हुई हैं, तो उसमें कौन उनका इन्वेस्टिगेशन करेगा? क्योंकि जो सरकार बनाने वाली वो आर्मी बनाती है। सरकार आर्मी के साथ जो भी सरकार रहती है उसका अच्छा रैपोर रहता है, तो आर्मी भी इस चीज पर ध्यान नहीं देती। सिर्फ उनको इस चीज से मतलब है कि जो सरकार है उनके कहे अनुसार चले, बाकी क्या हो रहा है उससे आर्मी को कोई मतलब नहीं है। और ये फंड्स भी जो आ रहे हैं उसको यूज किया जाएगा आर्मी को फंड करने के लिए, गरीब आवाम को नहीं। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है। उसमें से जो पैसा बचेगा वो दुबई में प्लाजे खरीद लिए जाएंगे या लंदन में अपार्टमेंट खरीद लेंगे वहां के लिए, तो आम लोगों तक पहुंचता ही नहीं है। ये सदियों से चला आ रहा है, सालों से चला आ रहा है ये जी सिलसिला। तो जी ये हाल है पाकिस्तान के। तो अभी जो आपने, बदहाली है, हाँ आपने आर्मी का जिक्र किया, आपको क्या लगता है दहशतगर्दी कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है इस इन हालात के लिए पाकिस्तान के? देखिए पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो नेचुरल कैलामिटी एक साइड है। आप ये देखें, फ्लड्स हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान में अर्थक्वेक भी आया था कुछ दिनों पहले, ये जी एक हालात हो गए लोग। दूसरा इकोनॉमिक क्राइसिस है, नेचुरल कैलामिटी मैंने आपको बता दिया, इकोनॉमिक क्राइसिस है दूसरा। तीसरा दहशतगर्दी है। दहशतगर्दी पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, जिसमें आपको फाटा रीजन आता है, फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरिया, जिसको आप नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस भी कहते हैं, उसमें स्वात वैली आ जाता है, खैबर पख्तूनख्वा आ जाता है। वहां पर टीटीपी ने, तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, और वहां पर वो टैक्स वसूल रहे हैं लोगों से जो है ना, वो वसूली कर रहे हैं वहां पर। और उन्होंने अपना एक पैरेलल मिनिस्ट्री वहां पर उन्होंने खड़ी कर दी है, उन्होंने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अभी तो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका ही हमने लिया है, स्वात वैली का इलाका ही लिया है, अब हम हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो इस्लामाबाद है। उन्होंने प्रॉपर एक कैबिनेट बनाई है, अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, और हर एक जो डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग मंत्री नियुक्त किए हैं। ये तो चलिए ये बात हुई टीटीपी की। दूसरा जो ड्यूरेंट लाइन है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सेपरेट करता है, ड्यूरेंट लाइन, वहां पर जो बाड़ लगाए गए थे उसको अफगान तालिबान ने रिमूव कर दिया है, और लगातार वहां पर जंग ऑलरेडी छिड़ चुकी है। हालांकि आप देखिए कि अफगानिस्तान की जो आर्मी है, तालिबान की जो वहां पर सरकार है, उसके पास कोई एयरफोर्स नहीं है, उसके पास सिर्फ सेना है। उतने प्रोफेशनल जो सोल्जर्स नहीं, जैसे पाकिस्तानी आर्मी के पास टैंक्स है, पाकिस्तानी आर्मी के पास अपना एयरफोर्स है, और पाकिस्तान की ISI नहीं, पाकिस्तान की आर्मी ने तालिबान को ट्रेन किया है। लेकिन अब पाकिस्तान बुरी तरह से फंस चुका है। वहां पर तालिबान हर रोज, ना सिर्फ तहरीके तालिबान पाकिस्तान में, बल्कि तालिबान जो है बॉर्डर पर भी, ड्यूरेंट लाइन पर, हर रोज पाकिस्तान के 4 से 5 सैनिकों को मार रहा है। इसके अलावा जो बलूचिस्तान का इलाका है, बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी है, वो हर रोज कभी IED के जरिए उनके कॉन्वॉय को उड़ा देता है, उसमें 4-5 सैनिक मारे जाते हैं। मतलब बड़े बड़े अटैक्स कर रहा है, उनके पोस्ट पर अटैक्स कर रहे हैं। तो ये हालत है, पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है, और फिलहाल उससे निकलने का कोई जरिया जो मालूम नहीं पड़ता, कोई ऑप्टिमिज्म। पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है कि बड़े पैमाने पर ऑपरेशन करके टीटीपी को भी न्यूट्रलाइज कर सके। और टीटीपी हर रोज, अभी देखिए कि कितना ज्यादा पेनिट्रेशन हो चुका है टीटीपी का, कि अभी कुछ दिनों पहले
पाकिस्तान के इस्लामाबाद, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, वहां के सबसे पॉश इलाके, I-10 इलाका कहा जाता है वहां पर, और भी कई पॉश इलाके हैं, वहां पर उन्होंने सुसाइड अटैक किया। एक शख्स जिसमें कि एक औरत थी और एक शख्स बैठा हुआ था, उसमें एक्सप्लोसिव लेडन वो कार थी, उसमें से जब एक पुलिस वाले ने उसको रोका पूछने के लिए, पूछताछ करने के लिए, तो उन्होंने ब्लास्ट कर दिया। उसमें एक पुलिस वाला मारा गया, 3-4 लोग जो है घायल हुए थे। तो सोचिए, और तहरीके तालिबान बार बार पाकिस्तान को कह रहा है कि हमारे हजारों लोग पेनिट्रेट कर चुके हैं, जगह जगह पाकिस्तान में हैं, और हम जैसे इशारा करेंगे वहां पर सुसाइड बॉम्बिंग करेंगे। तो पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है, पैसे नहीं है पाकिस्तान के पास इसके लड़ने के लिए। लिए विदेशी, ये जो गड्ढे हैं, ये जो हालात अभी हैं, इसके लिए पाकिस्तान खुद ही जिम्मेदार है। दीज आर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वूंड्स, कहना गलत नहीं होगा। जरूर देखिए, मैं आपको हिलरी क्लिंटन का वो कोट मैं आपको याद दिलाऊं। कुछ साल पहले हिलरी क्लिंटन पाकिस्तान के दौरे पर थी, और उस वक्त हिना रब्बानी खान, जो अभी लगातार भारत के खिलाफ एंटी इंडिया बयान दे रही हैं, अभी हाल में उन्होंने दावोस में भी कहा कि मैं पीस पार्टनर के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को नहीं देखती, वाजपेयी जी थे या मनमोहन सिंह थे, तो वो हमारे जी लिए आइडियल पीस पार्टनर्स थे। तो जब हिलरी क्लिंटन कुछ सालों पहले पाकिस्तान के दौरे पर गई थी, तो उन्होंने उनके साइड में हिना रब्बानी खार एज ए पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर खड़ी हुई थी, और उस वक्त हिलरी क्लिंटन ने कहा था, ये बात कही थी, मैं वर्बेटिम तो नहीं कह सकता, लेकिन उसका जो कुछ जो उसके क्या बोला? हाँ हिलरी क्लिंटन के जो शब्द थे वो ये जी, था कि अगर आप अपने बैकयार्ड में सांप पालोगे तो वो आपके पड़ोसियों आपको को तो डसेगा ही, सूनर या लेटर आपको भी डसेगा। तो वही चीज पाकिस्तान के साथ अब हो रही है, अब बिल्कुल पाकिस्तान बेहाल है और ये उसके लिए खुद जिम्मेदार है। जी। नितीश जी, आइए अपने दर्शकों को हम सुनाते हैं शहबाज शरीफ ने जो अपने इंटरव्यू में अल अरेबिया को जो इंटरव्यू दिया है, उसमें किस तरह से मदद की गुहार लगाई है हिंदुस्तान से, वो सुनवाते हैं। और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिया वो बयान जो अप्रैल 2019 में उन्होंने दिया था, ये दोनों ही सुनाते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। India is our neighbor country. We are neighbors. And let's be very blunt. Even if we are not we are not neighbors by choice, but we are there forever. And it is up to us to live peacefully and progress, or quarrel with each other and waste time and resources. That's up to us. Pakistan has learned its lesson. We had 3 wars with India. 3. And the consequence of those wars, as a result, it only brought more miseries, to the unemployment, 2 nations, poverty, and millions were demoted from their level of satisfaction to a lower level of satisfaction. We have learned our lesson and we want to live in peace with India. हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया था। जी, तो एक तरफ तो शहबाज शरीफ मदद की गुहार करते हैं, लेकिन दूसरे ही पल उनके ऊपर ऐसा दबाव पड़ता है कि वो बैकफुट पर चले जाते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, शहबाज शरीफ का जो बयान था उसके पीछे एक मकसद था। शहबाज शरीफ UAE के दौरे पर थे, वहां पर उन पर प्रेशर डाला गया। देखिए, कश्मीर का मुद्दा जो पाकिस्तान लगातार उठाता रहा है, और पाकिस्तान भुखमरी के बावजूद वहां की ना सिर्फ आवाम, वहां के सियासतदान, कश्मीर जो है वहां का पॉलिटिकल कैपिटल है, वहां के लोगों के लिए कश्मीर का मुद्दा एक लाइफ लाइन है। जो पॉलिटिशियंस है अभी भी कश्मीर से नाता क्या, ला इला इल्लल्ला, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये सारी चीजें पाकिस्तान में अभी भी आपको ग्राफिट, ना सिर्फ ग्राफिटी के तौर पर बल्कि वहां के लोग भी ये आपको इस तरह के नारे लगाते हुए आपको दिखेंगे। तो वहां पर UAE का प्रेशर था, जिसकी वजह से अल अरेबिया चैनल को जो शहबाज शरीफ ने इंटरव्यू दिया,
वो यूएई के प्रेशर में दिया, क्योंकि यूएई ने कहा था उनको, जो सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है कि तुम भारत के साथ रिश्ते ठीक करो। यूएई आप जानती हैं कि कश्मीर में एक मेजर इन्वेस्टर है, सऊदी अरेबिया और यूएई काफी बड़े पैमाने पर कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उस सारे लोगों को ये बात पता चल चुकी है कि पाकिस्तान जो है सिर्फ प्रोपेगेंडा है, वहां के जो पॉलिटिकल क्लास के लिए एक चूरन है जिसको ये सालों से ये भेजते आए हैं। तो शहबाज शरीफ के बयान के तुरंत बाद जो एस्टेब्लिशमेंट है आर्मी, उसकी तरफ से शहबाज शरीफ को एक मैसेज जाता है कि आपने क्या कह दिया। उसके बाद तुरंत शहबाज शरीफ का यू टर्न होता है और वो बोलते नहीं, जब तक 35A और 370 भारत वापस नहीं लेता तब तक जो है भारत के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। बिल्कुल, अब देखिए लगा दी इसमें। हाँ, कंडीशन है ये तो। चलिए प्रधानमंत्री मदद चाहिए, एक तरफ तो आप मदद की गुहार लगा रहे हैं, आपकी हालत ऐसी है, है ना, कि आप कटोरा लेके दर दर भटक रहे हैं, और दूसरी तरफ जब आप अपने ही पड़ोसी मुल्क से मदद की गुहार लगा रहे हैं, तो वहां पर आपका क्या कद इतना ऊंचा है कि आप एक कंडीशन लगा सकें। जी देखिए, ये सबसे हैरानी की बात तो ये है कि एक प्रधानमंत्री का बयान और जो फॉरेन मिनिस्टर का बयान है, उन दोनों के बीच में इतना ज्यादा विरोधाभास। उसके तुरंत बाद हिना रब्बानी खार वो कहती है कि भारत हमारा जो है पीस पार्टनर नहीं हो सकता, अभी नरेंद्र मोदी की सरकार वो हमारे पीस पार्टनर नहीं है। तो हिना रब्बानी खार को ये पता होना चाहिए, जो जिस तरह से हालात लग रहे हैं हिंदुस्तान में, जिस तरह भारत जो है लगातार दुनिया के मैप पर अपनी पहचान बनाता जा रहा है, पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो चुका है। अभी आप दावोस में आप देखिए, जो वहां पर भारत का जो पवेलियन है, वहां पर दुनिया भर के कंट्रीज जो आ रहे हैं, वहां पर चाइना का जो पवेलियन है, भारत से बड़ी इकोनॉमी चाइना है, वहां बिल्कुल सन्नाटा है। मैं आपको ये फैक्ट्स की बात बता रहा हूं जी। तो आप जरा सोचिए कि वहां पर अपने हालात को बयान करने के बजाय, अपने देश में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने के बजाय, वहां पर कश्मीर का मुद्दा उठाती है और अपने प्रधानमंत्री, जो एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा, उससे बिल्कुल डिस्टिंक्ट स्टैंड वहां के फॉरेन मिनिस्टर का फॉरेन मिनिस्टर लेता है। उसके बाद बिलावल भुट्टो कभी कहते हैं कि भारत से दिस इज नॉट द राइट टाइम टू स्पीक टू इंडिया। तो वहां व्हेन इज द राइट टाइम, दे बेटर डिसाइड व्हाट इज द राइट टाइम, मतलब अब नहीं तो कब। देखिए पाकिस्तान के लोगों को अभी भी ये, जो वहां के सियासतदान है, वहां के लोगों को अभी भी ये बात समझ में नहीं आती है कि भाई अब जमाना बदल चुका है। 10 साल पहले जो भारत था, वो भारत अब बदल चुका है, एक बड़ी महाशक्ति के रूप में भारत उभर रहा है और फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। आने वाले समय में आप अगर IMF का प्रेडिक्शन देखें तो दुनिया भर में रिसेशन की बात की जा रही है। इनफैक्ट अमेरिका जैसी जो इकोनॉमिक सुपर पावर है, वहां भी ग्रोथ रेट जो है बिल्कुल स्टैग्नेंट है, वहां भी बहुत ज्यादा ग्रोथ रेट नहीं होगा। चाइना का ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट किया गया है 2.4 या 2.5 का ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट किया गया है, जबकि इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ रेट को 6.3 के का प्रेडिक्ट किया गया, जो ग्रोथ रेट है जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, जापान से ज्यादा है। जापान जो है तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जर्मनी चौथी बड़ी का, जर्मनी का तो ग्रोथ रेट जो प्रेडिक्शन है वो नेगेटिव में किया गया है, जो IMF के जरिए किया गया। तो ये चीजें आप सोचिए कि 2030 तक भारत जो है जापान को भी ओवरटेक कर लेगा, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जो इकोनॉमिक सुपर पावर इंडिया होगा। और अभी भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है 570 बिलियन डॉलर है और पाकिस्तान का 4.7 बिलियन डॉलर है। पाकिस्तान के लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आती कि अगर भारत के साथ अगर उसके अच्छे संबंध होंगे तो उसके जो इकोनॉमिक वूज है वो, उसका सोल्यूशन भारत के पास है। अभी जो आटे की क्राइसिस हो रही है पाकिस्तान में, यहाँ 25 से 40 रुपए तक के बीच में आटा मिलता है। अगर पाकिस्तान के साथ ट्रेड जारी रहता, अटारी बॉर्डर खुला रहता, वो बाघा कहते हैं हम अटारी कहते हैं, वहां से ट्रक तुरंत तुरंत जो है पाकिस्तान पहुंच जाता, वहां के लोगों को सस्ते में आटा मिल जाता, महंगाई को घटाने में मदद मिलती। मतलब आप रशिया का रुख कर रहे हैं, आप चाइना का रुख कर रहे हैं, लेकिन जो बिल्कुल पड़ोसी मुल्क है, आप वहां पर जब मदद मांगने आ रहे हैं तो एक एटीट्यूड के साथ आ रहे हैं जो कि बिल्कुल भी गैर जरूरी है। इस चर्चा पर हम आगे भी आपसे मिलेंगे नीतीश जी, जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल इन तमाम जानकारी के लिए आपने अपना समय निकाला, न्यूज नशा के साथ होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक्स। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर।